हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। मैं विनोद कुमार, टेंथ बोर्ड एग्जाम सीरीज के तहत आज भी टेंथ बायोलॉजी के VVI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 4 पार्ट में है। यह दूसरा भाग है। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। ऑप्शन ए परासरण द्वारा, ऑप्शन बी विसरण द्वारा, ऑप्शन सी अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी रसारोहण द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी संतुलन के लिए, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग को में होता है। ऑप्शन ए पंखुड़ी, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी अंडव, ऑप्शन डी परागकण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपात किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामेशियम, ऑप्शन बी यूगलिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फूलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है। ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अंडाशय में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी जीवधारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए घेगा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए एक हार्मोन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडव, ऑप्शन डी परागकण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर प्रकाश, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वहितमल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर में, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग कोश में पाया जाता है? ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी स्टिग्मा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है? ऑप्शन ए चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ओपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल के फूल और पत्ते। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जंगली जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन डी पेरामेशियम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, ऑप्शन डी बीज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फूलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी सूखे घास पत्ते, ऑप्शन सी पॉलीथीन बैग, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अवघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? ऑप्शन ए समजातीय अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी समवृत्ति अंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समजातीय अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केचुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी समुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन बी कुआं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के VVI क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में होगा। धन्यवाद।